John runs 3 laps around a 4-meter track at a constant speed. If it takes John 10 minutes to run all 3 laps, what is his speed in meter per second? देखो, 400 मीटर के 3 laps कर रहा है, कितनी देर में कर रहा है? 10 मिनट में. 12 मिनट दिया हुआ है. 10 minutes ना, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं. मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे, ये दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, 4/2 आंसर 2. फिर कह रहे हैं इफ़ m माइनस 2 इक्वल टू x अपॉन 5 देन व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 10x इन टर्म्स ऑफ m. पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5m माइनस 10 इक्वल टू x. ठीक है, आपको 10x पूछ रहे हैं तो भाई 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को. 50m माइनस 100 इक्वल टू 10x. 50m माइनस 100 इक्वल टू 10x. तो मेरे भाई ये वाला यहाँ पे लिखा नहीं है भाई ने. इसी तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 1.6 इंटू 10 की पावर 5 प्लस एक्स इक्वल टू 4.46 इंटू 10 की पावर 6. देखो बात सुनो, ये अंडरस्टूड सी बात है कि उधर जाके माइनस होगा. अब 4.46 को अगर इसी वैल्यू में लाना है तो हम लिख देंगे 44.6 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर 5. 10 की पावर 5 कॉमन ले लो, 44.6 में से जब 1.6 माइनस करोगे तो 43 इंटू 10 की पावर 5, जैसे लिखा जा सकता है 4.5 इंटू 10 की पावर 6. ठीक है, सेम है ना, एक यूनिट बढ़ा दो.